मैं इन्फिनिटी कोचिंग से दीपक कुमार आप सभी के बीच हूँ। हमारा चैनल है इन्फिनिटी कोचिंग फॉर डिफरेंस और आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा एक वीडियो हमेशा पर डे जा रहा है क्लास टेंथ के लिए, कल क्लास नाइन्थ के लिए। इस टाइप से हम वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, अपलोड करें यूट्यूब पे। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो और दूसरा बात कि हमारे जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, हमारी कमी को बताने के लिए आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि कल आने वाला जो कल होगा वो हम उस वीडियो को उस जगह से सुधार जरूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप कमेंट को और हमारे कमी को आप नहीं बताते तो शायद हम उस कमी को नहीं समझ पाएंगे और ये गलती हम हमेशा करते हुए आएंगे। तो हमारी कमी को बताने के लिए आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ये जो अभी हम क्वेश्चन बना रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आज का क्लास का पहला स्टेप होगा, स्टेप वन होगा। ये वीडियो कुछ देर में अपलोड हो रहा है, तो हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को जोर बढ़ाता है। दोस्तों आज हम इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्लास टेंथ के लिए, नाइन्थ के लिए, इस क्लास एट क्लास के लिए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पटने से हमसे जुड़ करके ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। तो आज जो है हम जो क्लासेस दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो यूट्यूब पे हम दे रहे हैं, उसको जोर से जोर शेयर करिएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पहला मेथड है, स्टेप वन मेथड होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीका से बनाते हुए चलेंगे और इतने आसान से बनाएंगे कि कल आप इस पैटर्न का किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो बिना उलझे हुए, बिना सुलझे हुए, आप इसको बिना किसी के मदद लिए हुए आप इसको बना सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को जरूर देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा x प्लस 3 बाय x प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 7 2x माइनस 3, ये क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा। और हम यहाँ पे एक मतलब बॉक्स में लिख करके बताए भी है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन सैंपल होता है, जो मेन वर्कर होता है, जो मेन जो वर्क करता है साइन के साथ में, ये चार और ये चार चीज को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ आप नहीं जानते तो होता क्या है कि माइनस की जगह कभी प्लस बैठा दें, कभी प्लस की जगह पे माइनस। लेकिन ये हम पार्टिकुलरली आपके लिए नहीं बोल रहे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो साइन किस ढंग से चेंज हो रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ पे सैंपल से पहले समझते हैं क्या होता है माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, ये चार साइन इधर होता है। अब दूसरा क्या होता है, माइनस बिकम्स प्लस, प्लस बिकम्स माइनस, मल्टीपल बिकम्स डिवाइड, डिवाइड बिकम्स मल्टीपल। चलिए तो जब ये चार चीज को हम जान जाते हैं तो अब हमको इस क्वेश्चन को बनाना होता है, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम करते क्या है, देखिए कितने आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, तो अब यहाँ पे क्या है x प्लस 3 और x प्लस 2, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है तो x प्लस 3 इसको ऐसे लिखिए और यहाँ पे लिखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 7 और x प्लस 2, है ना। जब इसको हम लिख लेते हैं, अब देखिए क्या है, चलिए अब इसको हम लोग किस ढंग से लिखते हैं, देखिए अब इसको सॉल्व करना है कितना आसान तरीके से हम लोग मल्टीपल करते हैं। ये x है ना, ये x को 2x के साथ मल्टीपल करते हैं, मतलब इस ढंग से। तो x को 2x के साथ मल्टीपल करते क्या होता है, 2x स्क्वायर हो जाता है। ये x को फिर माइनस 3 के साथ मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो इस 3 को 2x के साथ मल्टीपल कर दीजिए तो 6x हो गया, 6x हो गया, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 9 हो गया, है ना। अब आइए सेकंड, 3x को x के साथ मल्टीपल करिए क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, फिर प्लस 3x को 2 के साथ मल्टीपल कर दीजिए क्या हो जाएगा, 6x, माइनस 7 को x के साथ मल्टीपल करिए तो माइनस 7x, माइनस 7 टू सम 40। जब यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए तो अब क्या है, अब तो भाई इसका ही काम है, ये जो काम जो हो रहा है ये हो क्या रहा है, अब समझना ये है कि इसको पहले ही पहले हम लोग और एक स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना आसान से, 2x स्क्वायर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन यहाँ पे प्लस का है तो प्लस 3x, क्यों हो रहा है यहाँ पे प्लस का साइन, वो भी हम आपको अभी तुरंत बता रहे हैं, माइनस 9 इक्वल टू 3x स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस 7x, माइनस 14।
अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन अपने आप लग गया और यहाँ पे माइनस का साइन लग गया, क्यों लग गया भाई, साइन तो वही है। देखिए अभी क्या है कि अभी हम जस्ट बताए थे यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, मतलब देखिए माइनस है और प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे भाई माइनस का साइन की जगह पे यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे भी वही काम हो रहा है लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन हो गया, तो ये समझना हमको पहले क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है माइनस थ्री एक्स है, तो लिख दिए माइनस थ्री एक्स है इंटू, मतलब इंटू मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इंटू को मान लिए और यहाँ पे क्या है प्लस सिक्स एक्स है, है ना। अब समझिए क्या होता है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस तो हो गया। अब ध्यान ये समझना है कि क्या माइनस थ्री से सिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है या थ्री को, सिक्स को थ्री से सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस थ्री को सिक्स से तो सब्ट्रैक्ट हम लोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि माइनस थ्री जो है सिक्स से कहीं ना कहीं छोटा है, तो हम क्या करते हैं सिक्स को थ्री से सब्ट्रैक्ट, जैसे सिक्स को थ्री से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, और सिक्स के आगे यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे इससे प्लस लग गया, पहला वाला काम खत्म हो गया। अब दूसरा माइनस जो है ये वाला माइनस सॉरी प्लस सिक्स एक्स है माइनस सेवन एक्स है ना, तो देखिए वही काम हो रहा है। अब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, अब खोजिए यहाँ पे कहाँ पे प्लस और माइनस है, पहला में देखिए यहाँ प्लस है, सेकंड में यहाँ पे माइनस है, तो माइनस बढ़ा दिए, प्लस माइनस मिलकर क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस तो हो गया क्लियर है। क्या सिक्स को सेवन से सब्ट्रैक्ट करेंगे या सेवन को सिक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेवन को या सिक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो सेवन को जैसे सिक्स सिक्स के साथ में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है एक्स हो जाता है, वन के साथ में वेरिएबल जो होता है ना ये वेरिएबल होता है, अल्फाबेट जो होता है ना वो वेरिएबल होता है, और वेरिएबल के साथ में कभी भी वन टू थ्री फोर फाइव का यूज नहीं होता, वन का साइन सॉरी वन का काम नहीं होता, बाकी सबका यूज कर सकते हैं, वन के साथ में एक्स को नहीं लिख सकते हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्टली एक्स को लिख देंगे ना। तो अभी भी हम यहाँ पे जो बनाए माइनस प्लस सिक्स एक्स है माइनस सिक्स सेवन एक्स है ना, प्लस सिक्स एक्स है माइनस सेवन एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और माइनस सिक्स होगा, क्या होगा वहां पे सर सिर्फ और सिर्फ माइनस। हम यहाँ पे जानबूझ के रखे थे कि हम समझना ये चाह रहे थे कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, तो अब आपका ये क्लियर हो गया मेथड को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस एक्स होगा, अब साइन यहाँ पे किसका होगा तो माइनस का, क्यों माइनस होगा क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे बड़ा, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस हो गया ना। चलिए यहाँ पे हम इसको इरेज कर रहे हैं, देख लिए तो अब देखिए क्या है, अब हम लोग इसका यूज करेंगे, क्या लिखा हुआ है, माइनस बिकम्स प्लस, प्लस बिकम्स माइनस, मल्टीपल बिकम्स डिवाइड और डिवाइड बिकम्स मल्टीपल। ये होता क्या है, ये माइनस का साइन कोई भी साइन होता है ना बराबर के आप जस्ट उधर लिखेगा तो वो साइन अपने आप चेंज हो जाता है, माइनस साइन वो प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन जो है ना वो माइनस हो जाएगा, मल्टीपल का साइन डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड का साइन मल्टीपल हो जाता है। चलिए आइए ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे क्या है थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या है प्लस टू एक्स स्क्वायर है ना, ये साइन हम क्या बोले ये सारे तीनों नंबर है ये बराबर के उधर उसको ले जाकर रख दीजिए आराम से अपने आप, तो ये प्लस टू एक्स स्क्वायर है, प्लस का साइन बराबर के उधर जाता है तो माइनस टू एक्स स्क्वायर है ना, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, प्लस का साइन है बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स जाएगा, माइनस फोर्टीन है माइनस फोर्टीन अपनी जगह पे ही है, माइनस नाइन है बराबर के उधर देती है तो ये प्लस नाइन हो गया और इक्वल टू यहाँ पे जीरो हो जाता है। अब देखिए अब क्या करना है, 3x स्क्वायर से 2x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस है माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 4x, अब माइनस 49 माइनस 14 है प्लस 9 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 5, प्लस होगा नहीं यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, क्लियर हो गया। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ये 5 को ना x के साथ में मल्टीपल करते हैं, देखिए 5 को इंटू एक्स स्क्वायर के साथ से हम यहाँ पे रफ करके बता रहे हैं, इसको जैसे रफ करते हैं तो ये सॉरी ये मल्टीपल क्या होता है 5x स्क्वायर हो जाता है, और 5 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 5 का यहाँ प्राइम फैक्टर क्या होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि प्राइम खुद का प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर कैसा होता है इट्सेल्फ नंबर होता है, और इट्सेल्फ नंबर हम लोग किसको बोलते हैं जिसका दो और दो ही फैक्टर होता है, जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब प्राइम नंबर है यार, इसका अपना आप कोई बोलते हैं कि सर क्या 1 भी जो प्राइम नंबर है, नहीं 1 प्राइम नंबर है, 1 एक कॉमन नंबर है, 1 सब में आता है तो 1 का कोई फैक्टर नहीं होता, लेकिन 5 का फैक्टर होता है, ठीक है 5 का क्या फैक्टर होता है 5 का फैक्टर 1 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में, इसलिए ये 5 जो है ना ये प्राइम फैक्टर नंबर होता है, लेकिन 1 के साथ में बात करें तो 1 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है, नहीं इसके साथ इसका कोई पेयर नहीं बनता है, उसी टाइप से आप 3 का बात करेंगे तो 3 के हिसाब से वही चीज है तो 1 में भी आता है और 3 में भी आता है, समझ में आ रहा है, ये हो गया प्राइम नंबर। अब हम लोग बोलेंगे भाई होल नंबर सर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है, जैसे 2 से अधिक फैक्टर मतलब सर क्या होता है समझिए मेरे बात को, 4 ये 4 क्या है कौन सा नंबर है, देखिए 4 किसमें कितना आता है, एक 1 में आ रहा है
वन के टेबल में कॉमन है वन, क्योंकि सब वन के टेबल तो सभी आते हैं। फोर जो है टू के टेबल में भी आ रहा है और फोर अपने आप के टेबल में भी आ रहा है ना, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन वन का जहां तक बात करें, वन सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। हमेशा कुछ बच्चे जो है हमेशा कंफ्यूजन यहां पे रहता है कि सर वन भी तो यार प्राइम नंबर है, क्योंकि वन का भी प्राइम नहीं, ऐसा नहीं है, वन प्राइम नंबर नहीं है, वन कॉमन नंबर है, वन सब में आता है। जिसका दो फैक्टर होता है, ध्यान में रखिए, जिसका दो फैक्टर हो सकता है वही प्राइम नंबर आपका कहलाता है। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम लोग अब करते हैं, कर दिए x स्क्वायर के साथ में 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5x स्क्वायर आ जाता है। इसको हम लोग को तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने से 5x स्क्वायर आ जाए और x सब्ट्रैक्ट करने पर यहां पे -4x हो जाए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं -5x + x -5 = 0। देखिए अब यहां पे जैसे सॉल्व हो जाता है तो अब क्या करेंगे, इसमें अब देखना है कॉमन हमको खोजना है, कॉमन क्या मिल रहा है, तो x इसमें कॉमन है क्योंकि x स्क्वायर यहां पे x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस फाइव प्लस इसमें कुछ नहीं आ रहा तो इसमें प्लस वन विद x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। x माइनस फाइव यहां भी है, यहां भी है, मेरा मतलब सभी कैलकुलेशन में सही है, x प्लस वन इक्वल टू ये भी जीरो इक्वल टू ये भी जीरो, देयरफॉर x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू फाइव, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू माइनस वन है ना। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, x का वैल्यू माइनस, x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस फाइव और x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कितने आसान तरीका से, कोई भी ना उलझे में बिना किसी का मदद लिए हुए इस क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीका से सॉल्व कर लिए। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जोर करिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टेप वन मेथड था, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जिस टाइप का क्वेश्चन होगा, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन होगा, जिस डिफिकल्ट पे क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। और फिर भी आपको उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल नंबर है 9471625602। आप इस क्वेश्चन किसी भी तरह का क्वेश्चन को आप डाल दीजिएगा। और ये तो जरूर बताइए कि आप कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। मैं इन्फिनिटी कोचिंग फाउंडेशन से दीपक कुमार आप सभी के बीच था। क्वेश्चन देखिए सर,